एंड्रॉइड स्मार्टवॉच का मतलब है एक मिनी स्मार्टफोन, और आज हमारे पास एक ऐसा ही मिनी स्मार्टफोन आया है जो है ये DW88 4G स्मार्टवॉच। इसमें आप स्मार्टफोन की तरह सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, प्लस अंग्रेजी वीडियोस का मजा भी उठा पाओगे। असली है ये लोडा। मेरा मतलब था हॉलीवुड मूवीज से। समझ रहा था। यही नहीं, इसमें आपके स्मार्टफोन की सारी एंड्रॉइड गेम्स भी चलेगी। लेकिन 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 मार्केट में आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी इसे बाय करने के लिए, बट आपको हमेशा प्रेफर करना है एक ही वेबसाइट को जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जिसका नेम है जोन अल्फा। कैसे आपको इसे जोन अल्फा की वेबसाइट से बाय करना है, उन सभी चीजों के बारे में आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो चलिए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये रहा इसका बॉक्स। यहाँ पर आपको 4G नेटवर्क लिखा मिलता है, वही नीचे मेंशन किया गया है कि इस वॉच में प्ले स्टोर एंड वाईफाई वर्किंग है। बाय द वे, जैसे इसका बॉक्स ओपन होता है, यहाँ सबसे पहले हमें मिल जाती है यूजर मैनुअल जो हमारे लिए रद्दी के समान है। देन इसके बाद हमें ये ऑरेंज कलर के ओशियन लूप स्ट्रैप्स दिए गए हैं और ये ब्लैक कलर के सिलिकॉन स्ट्रैप्स भी। वहीं इस वॉच को चार्ज करने के लिए पोको पिन वाली चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। वॉच के लुक्स वगैरह पर नजर डाल ली जाए तो ये सेम एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह लगती है। बाकी यहाँ पर हमें इसका क्राउन बटन मिल जाता है जो कि वर्किंग है, मिडल में नॉइस कैंसिलेशन वेंट, देन एक पावर बटन। लेकिन अगर आप इसकी ब्रेथ पर गौर करो तो ये नॉर्मल अल्ट्रा वॉचेस से काफी मोटी है। ऑब्वियस सी बात है, वॉच दिखने में मोटी है तो इसका वेट भी ज्यादा होगा, मगर ऐसा नहीं है, इसका वेट भी कम है। बाय द वे, बैक साइड पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर आपको सेम OG वॉच जैसे स्क्रूज दिए गए हैं, प्लस कुछ सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और ये वर्किंग है या फिर नहीं वो सब हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बाकी म्यूजिक एंड कॉलिंग के लिए एक स्पीकर वेंट मिल जाती है, लेकिन ये ऑरेंज वाला बटन कोई एक्शन बटन नहीं है क्योंकि ये है एक सिम कार्ड स्लॉट जिसमें आप सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, और ये 4G नेटवर्क को भी सपोर्ट करती है। वहीं कुछ दिनों में हम 5G एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस भी लाएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए अभी इसे ऑन कर लेते हैं। सो जैसे ये ऑन होती है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड लिखा मिलता है। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप इस वॉच में किसी भी टाइप का एप्पल लोगो सेट नहीं कर सकते। अराउंड 20 से 25 सेकंड्स आपको वेट करना पड़ेगा, देन आपकी जो वॉच है वो ऑन हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो टाइम वगैरह ज्यादा कंज्यूम करती है, बट इतना चल जाएगा। अब अगर डिस्प्ले एंड रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए, सो इसमें आपको दी गई है 2 इंच की एक IPS डिस्प्ले, वो भी 4 से 5 दिन के बैटरी बैकअप के साथ, प्लस 600 निट्स की हाई ब्राइटनेस भी मिल जाती है, बट ये पीक सनलाइट में उतनी ज्यादा प्रॉपरली विजिबल नहीं रहेगी। बाकी इसे वियर करने के बाद लुकिंग कुछ ऐसी रहती है, और चाहे मोटी रिस्ट वाले हो या फिर पतली रिस्ट वाले, दोनों ही इसे इजिली वियर कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस वॉलपेपर पर गौर करो सो इस पर टच करने से बबल्स वगैरह निकलते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ इनबिल्ड वॉच फेसेस की बात कर ली जाए, सो इसमें आपको दिए गए हैं 7 इनबिल्ड वॉच फेसेस। बाकी आप इसमें अपना पर्सनल वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो। मेन्यू बार पर गौर कर लिया जाए तो कुछ इस टाइप से इसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट होती है, सेम स्मार्टफोन की तरह। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें वाईफाई वगैरह भी प्रॉपरली कनेक्ट हो जाता है, यानी अगर आपको सिम कार्ड इंसर्ट नहीं करना तो आप वाईफाई कनेक्ट करके भी इंटरनेट सर्व कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्राउन बटन को डबल टैप करना होगा, देन आप क्राउन बटन के थ्रू ही वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाओगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, जो मुझे मेन्यू स्टाइल यूज करते टाइम तो काफी इफेक्टिव लगा, बट देखते हैं कि एप्लीकेशन यूज करते टाइम ये स्मूथनेस बरकरार रहती है या फिर नहीं। उससे पहले अगर इसके क्राउन एंड टच कंट्रोल्स पर गौर कर लिया जाए तो भाई उन्हें यूज करते टाइम मैंने किसी भी टाइप का लैग वगैरह फील नहीं किया। बाकी इस वॉच में आपको 5 अलग अलग तरह के मेन्यू स्टाइल्स भी मिल जाते हैं, वो भी एक से बढ़ के एक। ऑलराइट दोस्तों, मैंने आपको सभी मेन्यू स्टाइल्स नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। चलिए अब इसके मेन फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां सबसे पहला फीचर में मिलता है कॉलिंग का। इस फीचर के थ्रू आप कॉलिंग भी कर सकते हो, प्लस अपने स्मार्टफोन के जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी इस वॉच में इंपोर्ट कर पाओगे। इसके बाद इस वॉच में इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ अपने चैनल का नेम जो आ भी चुका है। एंड भाई, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इसके अलावा हमारी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए कैलकुलेटर भी दिया गया है, एंड आपकी पर्सनल पिक्चर्स को चेक करने के लिए एक गैलरी भी, जिसमें हमें पहले से ही कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, एंड आप चाहो तो अपने हिसाब से भी इसमें पिक्चर वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो। अब डायरेक्ट मुद्दे पर आकर आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर रेंडर हो रही है। चलिए अब इसमें BGMI सर्च करके देखते हैं, एंड अगर इस वॉच में BGMI चलती होगी तो प्ले स्टोर पे भी जरूर शो होगी। और ये यहाँ पर तो BGMI इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका गेमिंग टेस्ट भी करके दिखा देंगे, बट आपको इस वीडियो पर 10K लैक्स का एम कंप्लीट करवाना होगा। इसके बाद मैंने इसमें गूगल मैप वगैरह ओपन करके देखा, बट रेंडरिंग टाइम मुझे उतना खास नहीं लगा 120Hz के रिफ्रेश रेट को देखते हुए, बट इतना है कि ये वॉच आपको आपकी डेस्टिनेशन पर जरूर ले जाएगी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपको ओनली 1GB की रैम मिलेगी एंड 16GB की स्टोरेज, जिससे आप वीडियोस वगैरह भी इंपोर्ट कर पाओगे। लेकिन देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में ये वॉच एसेट अल्ट्रा से बेटर है। वहीं वीडियोस की कलर एंड क्लैरिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगी। अब देख लेते हैं क्या इसके सेंसर्स रिलायबल है या फिर फेक। तो फिलहाल मैंने इसे टेबल पर रखे इसकी हार्ट रेट चेकिंग ऑन कर दी है। एंड अराउंड 20 सेकंड्स वेट करने के बाद भी इस वॉच ने हमें फेक डेटा ही शो किया है, यानी हम कह सकते हैं इस वॉच के सेंसर्स रिलायबल नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें सर्वे सर्फर्स प्ले की जो इजिली इसके अंदर चल गई, लेकिन एप्लीकेशन को भी ऑन होने में एटलीस्ट 20 से 25 सेकंड का टाइम लग गया, लेकिन एप्लीकेशन सक्सेसफुली ऑन भी होगी एंड मैं मस्त गेम भी खेल रहा था। चलिए फिर इसी बात पर आप भी इस गेम का कुछ देर मजा लीजिए। ऑलराइट भाइयों, मेरे हिसाब से तो सर्वे सर्फर्स बहुत ही स्मूथ चल रही थी। नेक्स्टली मैंने इसमें लूडो भी डाउनलोड करके देखी और ये गेम भी इस वॉच में सफलतापूर्वक चल गई। एंड जैसे हम इन गेम्स को अपने स्मार्टफोन में खेलते हैं, सेम इस वॉच में भी चल रही थी। वहीं जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, यहाँ पर भाई स्नैपचैट का एड आ रहा था, बट भाई गेम तो प्रॉपरली चल गई, किसी भी टाइप का लैग वगैरह मैंने फील नहीं किया। एंड अगर आपको भी ये गेम्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एक ऐसी चीज जो हर बंदा चाहता है कि वो उसकी वॉच में चले, जिसका नेम है YouTube, एंड ये भी इस वॉच में प्रॉपरली चल रहा था। वहीं एप्लीकेशन ओपन होने के बाद रेंडरिंग टाइम में मुझे किसी भी टाइप का इशू नहीं लगा। जैसे जैसे मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, वैसे वैसे वीडियोस भी रेंडर हो रही थी। बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इस YouTube एप्लीकेशन को यूज करते टाइम क्राउन बटन वर्क नहीं करता। इसके बाद मैंने इस वॉच में एक का शॉर्ट वीडियोस भी प्ले करके देखी, वो भी मक्खन चल रही थी। प्लस हमने इन वीडियोस को लाइक भी किया एंड शेयर भी किया, और ये सेम स्मार्टफोन के YouTube की तरह हो भी गई, कोई खासा चेंज नहीं था। देन मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी प्ले करके देखी, वो भी प्रॉपरली प्ले हो रही थी बिना किसी लैगिंग इशू के। और जैसे स्मार्टफोन में वीडियो स्वाइप करने पर वीडियो फुल फ्रेम में चल जाती है, वो सेम चीज इस वॉच में भी हो रही थी। बाकी इस वॉच में वीडियोस की मैक्सिमम क्वालिटी 1080 पिक्सल तक जाती है, जो सीरियसली मुझे इस वॉच में काफी बेटर लगा। फाइनली अब इस वॉच के स्पीकर्स वगैरह को टेस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने इस वॉच में एक म्यूजिक भी प्ले कर लिया है। एंड अब मैं अपनी साउंड को भी थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूंगा। अब बात आती है इसकी साउंड क्वालिटी को रेटिंग देने की, तो भाई मेरे हिसाब से लाउडनेस एंड बेस दोनों ही इस वॉच का बेटर था। ऑलराइट दोस्तों, वॉच तो काफी मजेदार थी, बट कुछ दिनों में इसका बड़ा भाई भी आने वाला है, जिसका नेम है DW89। इसके अंदर आपको इनबिल्ट कैमरा भी मिलेगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं DW88 स्मार्ट वॉच में फ्री फायर और BGMI खेल के दिखाऊं, तो इस वीडियो पर 10K लाइक्स का एम कंप्लीट करवा देना। वहीं DW88 स्मार्ट वॉच को बाय करने के लिए आपको 4 से 5 दिन का वेट करना होगा, देन ये वॉच जोन अल्फा की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। एंड कुछ दिनों बाद अगर आप इसे मेरे दिए हुए लिंक से बाय करते हो, तो उस पर आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। जब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।